अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में कीमे वाले नान बनने लगे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले डो रेडी करनी है। तो डो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कप मैदा ले लिया है, नमक ले लिया है इसमें ज़रूरत, 2 टेबल स्पून मैंने योगर्ट ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ले लिया है, ईस्ट ले लिया 1 टीस्पून, शुगर ली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी लिया है। घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने घी का यूज़ किया, साथ हमें पानी चाहिए, नीम गर्म पानी चाहिए। तो आए हम डो रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 कप जो है मैदा इसमें ऐड किया है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक जाएगा, या आप हंसपे जो ले लें टेस्ट के लिहाज से, ईस्ट यानी कि हमीर 1 टीस्पून जाएगी इसमें, शुगर जाएगी 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा जाएगा 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून इसमें मिल्क पाउडर जाएगा और 3 टेबलस्पून इसमें योगर्ट जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स कर लेना सब चीज़ों को। अब मैं बीच में थोड़ी जगह बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। आप इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दूध से भी इसकी डो को गूंद सकते हैं। मैं यहाँ नीम गर्म पानी ले रही हूँ और हम इसकी डो को गूंद देते हैं। कीमा अगर किसी को पसंद ना हो, जैसे खाने में पक्का हो, तो आप लोग पराठे की सूरत में या नान की सूरत में बनाकर इसमें फिलिंग करके खा सकते हैं, बहुत मज़े के बनेंगे। मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड जो है वो कीमा इतना लाइक नहीं करते हैं, खाने में बना हो तो पराठे की सूरत में या नान की सूरत में हो तो वो बहुत शौक से खाते हैं। इसलिए मैं नान बनाने लगी हूँ आज। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे मैदा डस्ट करते हैं और पेड़ा बनाते हैं अपना। हमने इतना पेड़ा बना लिया अपना। इस तरह किया। अभी इसको बेल लें रोटी को आप इस तरीके से। आप नान अपनी मर्जी से छोटे और बड़े भी बना सकते हैं। बस इतना सा मैंने पहले इसको बेल ली है। अब इसके अंदर स्टफिंग करेंगे हम। ये हम इसमें अब स्टफिंग करेंगे। इसके अंदर हम इसके अंदर फुल मटेरियल भर देंगे। भरने के बाद हम इसको इस तरह से उठाएंगे और ये देखें हम इस तरह से इसको घी इसको ऐसे हमने बंद कर दिया और अब इसको बेल लेंगे। ये देखिए आप स्टफिंग करने के बाद दोबारा इसको फोल्ड करने के बाद मैं इसको रोटी की सूरत में बेल रही हूँ। जितनी आपने इसकी शेप रखनी है, जितना साइज रखना है, उतना आप इसको बेल लें। ये देखिए मैंने इसको इतना बेली है। अब इसके अंदर मैं फोर की मदद से इसके अंदर ऐसे निशान लगा लूँगी। ये देखिए इस शेप में तवा मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसको सही गर्म करना है अभी तवे को, ठीक है? इसके ऊपर ज़रा सा भी ऑयल नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पानी लगाऊंगी। पानी लगा ले, दूध लगा ले, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ मेरे पास तिल है, ये अगर आपके पास ना हो तो कोई इशू नहीं है। यहाँ मेरे पास तिल हैं,
तो मैं इनके ऊपर तिल लगा रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है, इस पे कोई चिकनाई भी नहीं है, बिल्कुल साफ है ये। अब मैंने इसको एहतियात से उठाना है और इसकी बैक साइड पे भी सारा पानी लगाना है, पानी लगेगा तो ये चिपकेगा इसके साथ। ये आप देख सकते हैं इसको मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है, इसके साथ ये चिपक गया है। तवा साफ होना चाहिए, बस आपने ये टिप दिखनी है और पानी इसके पीछे आपने चिपका लगाना है, पानी या दूध लगा सकते हैं। जब इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे हम तवे को उलटना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें इन पे अब बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमने तवे को उलट देना है, इस तरह इसको हमने पकाना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह है, सब जगहों से आपने इसको पकाना है। इस तरह मैं सारी जगह इसको घुमा रही हूँ। ये देखिए आपको शेप नज़र आना स्टार्ट हो गई होगी। ये देखिए हमारा नान जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको अलहदा कर लेंगे, इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए आप जैसे इसका कलर। अब आप इसके ऊपर देसी घी लगा लें, चाहे आप बटर लगा लें, जो आपको पसंद है वो आप लगा लें। हमारे कीमे वाले नान रेडी हो चुके हैं। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।